बड़ी सुंदर गीत का संकेत किए। कोनो दुल्ही अपने दुल्हा के कहत बाकी का हो सैया, जब काम का टाइम आवत हो तो खाली हमसे फुसिलाए फुसिलाए के बतियाए के कुल काम कराए लेवेला, लेकिन हमार सामान कबो खरीद के नहीं लिया के दीह, वादा करके भूल जात। तब दुल्हिन अपने दुल्हा के याद दिलावत बा कहत का बा, खाली फुसिलाई के करवला कटनिया, खाली फुसिलाई के करवला कटनिया, कही के दियौलन झूलनिया ना, धनवा के भाव तनी बढ़े दे तू धनिया, धनवा के भाव तनी बढ़े दे तू धनिया, तोहर के गढ़ई बझुलनिया ना, प्यार के न रस पईबा, बहा कई बात प्यार के न रस पईबा, राते से जिया पे सैया तरस जईबा, राते से जिया पे सैया तरस जईबा, हाँ या बनाही चली है तोहार मन मनिया, अब नहीं चली है तोहार मन मनिया, कहीं के दियौलन न झूलनिया ना, ओपी म्यूजिक माय स्टूडियो के द्वारा बिरहा की रिकॉर्डिंग की जा रही है और आप सब इस बिरहा को सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट लिखेंगे कि हमारा बिरहा आपको कैसे लगा। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से आप सभी श्रोता सज्जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जबलपुर कांड आप सुनने जा रहे हैं। अरे जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले,
गम के मेले हैं। कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, ऐ मानव तू क्या है और तेरी हैसियत क्या है, कैसे भैया हो। अरे 84 के साये में, 84 के साये में आना और जाना है। अरे पथ है अनेको लेकिन एक ही ठिकाना है। पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ है मिथ्या, अर्थात सारी चीजें सारी वस्तुएं मिट्टी से बनी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए लिखा गया 84 के साये में आना और जाना है, पथ है अनेकों लेकिन एक ही ठिकाना है। आए एक ही घाट से, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गए बारंबाट। बिरहा के शुरुआती हमें सेवा, कहानी के शुरुआती हमें सेवा कहना है। किशोरी साहू जबलपुर के निवासी थे, किशोरी साहू जबलपुर के निवासी थे, पत्नी विद्यावती बड़े मृदुल भाषी थे। बेटा आकाश बेटी अनीता थी दामन में, नौकरी रेलवे की करते बसर गावन में। ऊपर वाले को न मंजूर उनकी मनसा है, किशोरी स्वर्ग गजहरीला नाग डंसा है। मध्य प्रदेश शहर जबलपुर के निवासी किशोरी लाल साहू के दुल्हन का नाम विद्यावती। विद्यावती से दो बच्चे पैदा हुए, बेटवा का नाम आकाश और बिटिया का नाम अनीता। किशोरी लाल साहू रेलवे में कार्यरत हैं, रेलवे विभाग में कार्यरत हैं।
कहा जाता है बाबूजी, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। नहीं है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ड्यूटी के दरमियान एक दिन कहीं जा रहे थे और उनके पांव के नीचे एक सर्प दब गया और सर्प ने डंक मार दिया। सर्प जब डंस लिया और सर्प जब काट लिया तो सर्प के काटने से किशोरी लाल साहू तड़प उठे। तड़प उठे, उनका दुर्भाग्य था कि उस समय अगल बगल कोई उनके पास में नहीं था। वो गुहार लगाते रहे लेकिन दूर लोग थे और पास आते आते बाबूजी काफी समय हो गया तो किशोरी लाल साहू के शरीर में विष फैलने लगा। लोग आए उनको लेकर के हॉस्पिटल में गए, उपचार हुआ लेकिन किशोरी लाल साहू बचे नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। और जब स्वर्गवास हो गया, परिवार के लोग जब सुनते हैं तो पिताजी के मरने का दुख बच्चों को है और पत्नी के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वही पत्नी रोती है और रो रो करके कहती है, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे पीटी के कपार रोवे, अरे घर में गुजरिया हो सांवरिया हमारे, आधा जल में छोड़ा मोरी नवारिया हो सांवरिया। दुआरिया हो सवरिया हमारे, के कर अब देखा भाई दहारिया हो सवरिया हमारे, बाबूजी बिटिया बेटवा भी रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है। दुल्हिन कहत बा कि स्वामी आप तो हमें छोड़ के चल गए लेकिन ये दुद्दू ठे लड़का अब हम ले के करे सहारे अपन जिंदगी बिताई, हमरे लड़कन के पढ़ाई लिखाई के परिवार के दुख सुख समझी, हम अपन बात कैसे कहे जाब अपन दुखड़ा के करे सामने रो। दुल्हिन रोवत बा बाबूजी लेकिन जिंदगी रोने से तो बीतेगी नहीं, जो विपत्ति भगवान ने दिया है उसका सामना तो हमें करना ही है। अंत में बाबूजी किशोरी लाल साहू के लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया और मृतक आश्रित पर उनके पत्नी को उस नौकरी पर रख लिया गया और उन्हें वेतन मिल रहा है। और धीरे धीरे बाबूजी समय बीत रहा है, बेटवा आकाश अबही नादान बा, बिटिया भी अबही नादान बा। बिटिया बेटवा दोनों के अब पढ़ावे लागिन कि अब मेरे पति तो इस दुनिया में है नहीं और तुम लोगों के लिए मैं ही माँ हूँ और मैं ही पिता हूँ, मन लगा करके पढ़ना और अपने पिता के सपने को साकार करना। धीरे धीरे समय बीतती है बाबूजी और बाल्य अवस्था को क्रॉस किए बिटिया बेटवा दोनों जवानी के दहलीज पर कदम रखे। माई सोचे थे कि हमार आकाश बड़ा हो गए हैं, सयान हो गए हैं, बेटवा के बियाह कह देवे के चाहिए।
तो नात रिश्तेदारी में माई बात चलावत हैं बाबूजी, शादी कैसहू न कैसहू बेटवा के सेट हो गई, शादी तय हो गई। और जब शादी तय हो गई बाबूजी, तो अब मानो माई के दुख तनिक कम होत बा कि घरे में बहुरिया आ जाई, बेटवा भी पढ़ लिख के कमाए उमाए लगी, तो परिवार का कष्ट तनी कम हो जाई। तब कभी को संकेत करना पड़ा, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे जैसे रोज आवेलू तू टेर सुनी के आई हो रे निदिया निडर बनी के, लेकिन बिरहा में भाव है। आकाश क विवाह भलगन गुनी के, बेटा के विवाह भलगन गुनी के, आई है संगीता घर दुल्हन बनी के, भी भइल सगैया। औरंगाबाद मिला बर अमित चुनी के, आई है संगीता घर दुल्हन बनी के। संगीता नाम की बहुरिया आकाश की दुल्हन बनकर के घर में आती है। और संगीता नाम के बहुरिया के पाए के मानो सास के बाबूजी दुखवे और आए गईल। अचान जैसन मुखड़ा देख के सास रानी कहत हैं कि आज हमार पति के आत्मा जहां भी होई अपने बेटवा और परिवार के खुश देख के आशीर्वाद देत हुई हैं। तो बेटवा के देख के बहू के देख के माई बहुत खुश हैं। धीरे धीरे जब एकाध महीना का टाइम बीता तो माई अपने बेटवा आकाश से कहत हैं कि देखा आकाश तुहार शादी तो हो गए, अब तुहार बहिन संगीता भी शादी योग्य हो चुकी है, तू समझदार हुआ कहीं बढ़िया से घर बर देख के अपने बहिन के भी घर बसाए दे, घर बसाए दे तो हमारे जीवन के बोझ हल्का हो जाए, सर के बोझ हल्का हो जाए, अपने पति के दिया हुआ वचन भी हम पूरा कर सकब। अच्छा भाई बर खोजने लगा तो एक रिश्तेदार के मदद से औरंगाबाद शहर में अमित नाम के लड़के से अपनी बहन अनीता का विवाह तय कर दिया। अनीता का विवाह तय कर दिया, सगाई भी हो गई, अब खाली ब्याह होवे के बाद तिलक सगाई सब कुछ हो गया बाबूजी, ब्याह का दिन तारीख रखवा दिए। और जब विवाह का दिन तारीख रखवा दिए तो कभी कभी हद से ज्यादा खुशी भी इंसान की जिंदगी ले लेती है। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी, दिल का सपना सपना रह गया, दिल का सपना सपना रह गया, भगवान के आगे चली नहीं, माता ममता को छोड़ चली, बेटी को रोरी मिली नहीं, वकील पड़े यस मंजस में शादी कैसे हो पाएगी, माँ बाप को अपने भक्षण कर बन बहू मेरे घर आएगी, कुछ बुद्धिजीवी जन समझाए जीवन मानव के हाथ नहीं, ए साहब कुछ बुद्धिजीवी जन समझाए जीवन मानव के हाथ नहीं, हम आप भी एक दिन जाएंगे जीवन भर देंगे साथ नहीं।
तो अमित के पिता एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि जवन लड़की ब्याह से पहले अपने माँ को खा गई तो वो लड़की मेरे घर बहू बनकर के आएगी तो उसका असर मेरे परिवार पर क्या होगा। गांव के लोग समझा रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी जन कि आप पढ़े लिखे इंसान हो करके शिक्षित हो करके इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, क्या यही आपकी पढ़ाई लिखाई है, यही आपका संस्कार है? अगर ऐसी भावना आपके हृदय में है तो आपका बेटा क्या सोचेगा? अरे वकील साहब, ये जिंदगी है और मृत्यु इंसान के बस की बात नहीं है, वो अटल है, उसे तो एक दिन आनी ही आनी है। क्या हम आप सदैव जीवित रहेंगे? हम और आप भी एक दिन अपने बच्चों को छोड़ करके चले जाएंगे? जीवन भर साथ देने वाले नहीं है। तब बुद्धिजीवी लोगन के समझाए पर वकील साहब बात के मान गए और मान करके अपने बेटे की बारात सजा करके चले। और जब बारात सजा करके चले तो बिरहा में एक लाइन भाव देना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? आईली बारात आज, आईली बारात आज, सजल भवन हमार बहिनी, तोहरो सजनवा हमार बहिनी, आइले तोहरो सजनवा हमार बहिनी, आइले तोहरो सजनवा, आइले तोहरो सजनवा हमार बहिनी। अनीता अमित संग में फिरली भंवरिया, वकील के घरवा के बनली बहुरिया, हमरो धिया नवा हमार बहिनी, रखिया हमरो धिया नवा हमार बहिनी। सुने वाले बाबूजी, माँ पिताजी तो पहले ही दुनिया छोड़ गए थे, शादी के पहले माँ भी मर गई। अमित का पिता वकील साहब अनीता का हो वाला ससुर कह रहे हैं आकाश से कि तोहरे माई से तो बात बहुत कुछ भय रही, तनी लेन देन का समझ लिया, हम बारात लेके आवत है। कहे आप बारात लेकर के आइए, दुनिया में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अपनी इच्छा अनुसार अपनी बहु बेटियों को दान दहेज देने में कोई कमी नहीं रखता है। जो हमारे पास शक्ति है मैं अपने शक्ति अनुसार आपको दूंगा, आप आइए। बारात सजा करके आए बाबूजी और बड़े प्रेम पूर्वक से जल जल पान हुआ, भोजन हुआ, विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई की घड़ी धीरे धीरे करीब आने लगी तो दहेज में तनी रुपया कुछ कम पावत बा, सामान तनी कुछ कम पावत बा, और रुपया भी कम पावत बा, सामान तनी कुछ कम पावत बा, बात के अनुसार पूरा रुपया नाही बा।
जब इतना बतिया देखत हैं वकील साहब तो कहें सुना आकाश बाबू तोहरे बहिन के हम अपने घर के बहुत बनाए लिया, लेकिन तोहरे बहिन के पढ़ाई करे के इच्छा बा दहेज में कटौती की है तो एक ठे काम कह दिया अपने बहिन के तू अपने खर्चा से पढ़ावा, अपने कमाई से रुपया लगा के जितना भी रुपया पढ़ाई लिखाई में लागे तू अपने बहिन के पढ़ावा, इतने से हमरे मन के मनोकामना पूर्ण हो जाए। आकाश और अनीता बहुत खुश हुए क्योंकि बड़ा भाई और भाभी माँ और पिता के समान होते हैं। अनीता को पढ़ाने लिखाने की बात सुन करके बाबूजी आकाश मंजूरी दे दिए, कोई बात नहीं है मैं बहन की विदाई कर रहा हूँ और जो भी इसकी पढ़ाई में खर्च लगेगा मैं उसे खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। बहन की विदाई हुई, बहन ससुराल गई और जब ससुराल गई बाबूजी तो चार दिन के बाद ससुराल से मायके आती है और जब मायके आती है बाबूजी तो एक बार वकील साहब फिर फोन करके याद दिलाते हैं कि अपने वादे पर कायम रहना और खरा उतरना बेटा। जब याद दिलाते हैं वही आकाश अपनी बहन को लेकर के जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए और जब एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं बाबूजी तो हुआ क्या, कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे शर्मिंदा करना चाहे दुनिया, काल का हाल न जाना आज तलक कोई बंदा, काल का हाल न जाना आज तलक कोई बंदा शर्मिंदा करना चाहे दुनिया। मारने वाला भी परमात्मा है, जीवन दान देने वाला भी परमात्मा है। इंसान रोजमर्रा की जिंदगी से जूझता है लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई अपने बहन का एडमिशन करवा करके दाखिला दिला करके कॉलेज में बहुत खुश है कि जो भी मेहनत परिश्रम मुझे करना पड़ेगा मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा और मेरी बहन को पढ़ाई लिखाई और मेरे परिश्रम से कामयाबी अगर मिल जाएगी, कोई नौकरी मिल जाएगी तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी और माता पिता के अरमान भी पूरा हो जाए, इच्छा भी पूरा हो जाए। कभी को संकेत करना पड़ा बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, जब पढ़े जात बा तब भाव लिखना पड़ा। अरे भैया के दुलारी बहिन, अरे भैया के दुलारी बहिन खुश भैली मनावा, भाभी यो बीरा नवारा बहिनी के सेवा करे, भाभी यो बीरा नवारा बहिनी के सेवा करे, भाभी यो बीरा नवारा। सुने वाले बाबूजी भाई का दुलारी बहिन, अपने भैया का एकलौती दुलारी बहिन जब पढ़े जात बा तो मन में अपार खुशी बा। अब भाभी और भैया ऐसा सेवा करत हैं कि जैसे कोनो छोटा सा बच्चा का ख्याल रखे,
भाभी का ममता ननद के ऊपर छलक जाता, भैया के अपार प्रेम बा बहिन के ऊपर, लेकिन काल के चक्र के कोई जान नहीं पाया, इसलिए अंतरे के लाइन में कहना है। एक्सीडेंट एक दिना भइले किस्मत चली गा, फूटी गईली किस्मत चली गा, दूना हौ नयन सुने वाले बाबूजी, बहिन रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर का सफर तय करत हैं। एक दिन के बाद बा बहिनिया पढ़े जात बा कॉलेज, और जब छुट्टी हुई तो वहां से जब लौटने लगी तो बात को समझ नहीं पाई, और काल का चक्र उस पे सर पर मंडराया बाबूजी, और एक गाड़ी से उस बहन का एक्सीडेंट हो गया। और जब बहन का एक्सीडेंट हो गया तो सर में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी, और लोग जा करके उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, और उसके भाई को खबर भिजवाए, भाई को खबर भिजवाए, और बहन का इलाज प्रारंभ हो गया। इलाज तो प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे वो बहन स्वस्थ होने लगी, स्वस्थ होने लगी। लेकिन दुख कौने बात के बा कि उस एक्सीडेंट में बहन के दोनों आंखों की ज्योति चली गई, दोनों आंखों की रोशनी चली गई, बहन अंधी हो गई। अब अंधी हो गई तो अंधरी बहनिया के भैया लियाए के घरवा आवत हैं, भैया लियाए के घरवा आवत हैं बाबूजी। तो जवन भौजाई अपने बिटिया के तरह, अपने गोद के औलाद के तरह बहिनिया के प्यार देवे, आज जब वो बहिनिया आंधर हो गई बाबूजी, तो वो भौजैया का व्यवहार बदल गए। और जब भौजैया का व्यवहार बदल गए तो हुआ क्या, कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। ओहर ससुरे के लोग खबर पाते हैं, और जब खबर पाए बाबूजी तो वकील साहब अपने बेटवा के समझावत हैं कि पागल मत बना, कुछ रुपया पैसा दे के छुटकारा पायला, वो आनहर धोनर हो गए बा, ओके लिया आए के का करबा, तोहार जिंदगी बहुत लंबी बा बबुआ, तोहार दूसर ब्याह कराए दे, बढ़िया दुल्हीन आई, अब बढ़िया घरे रिश्ता तय करत, तो दहेज भी चौचके मिली। इतना बतिया समझावत हैं बाबूजी, लेकिन अमित के मनवा नहीं मानता, अमित का मन नहीं माना था, अपने जीवन संगिनी से मिलने के लिए चला। बिरहा में पपट की लाइन में कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। अरे अंधी बहिन के करती रोज रुदनावा नई हर नगरी में, ए बाबू अंधी बहिन बकरती रोज रुदनावा नई हर नगरी में, औ ससुरे से न आयल कोई धवनवा नई हर नगरी में, बेदर्द जमाना दुखियारी क दर्द कोई ना बाटे हो, संगीता भाभी बात बात पर अंधी ननद के डांटे हो, और लेके चलली नासिक में कुंभ असन नवा नई हर नगरी में,
छोड़ के आई भाभी अपने भवनवा नैहर नगरी में। सुने वाले बाबूजी, अब अंधरी बहिन के बड़ा अपमान होता। भैया तो सोचत हैं कि एक कोखी से दोनों भाई बहिन पैदा भई, अगर हम अपने बहिन के अपमान करब तो हमारे माई बाबू के आत्मा कबो संतुष्ट ना होई, आ हमारे माई बाबू के आत्मा के शांति न मिली, आ हमें हमारे मतारी बाप के आत्मा से बद्दुआ निकली। तो लोग थू थू करी हैं कि अरे बहिन आंधर हो गई तो भाई खुदगर्ज हो गया। तो भैयावा तो समाज के लजाट डेरात पर बहिनिया के ख्याल रखे, बहन के ख्याल रखे, पति भी आया तो वो भी मिल करके चला गया, अपने दुल्हन के लिए जाए के कोनो बात नहीं किया, वो भी चला गया, मिल करके बातचीत करके चला गया। और काफी समय बीत गया, फिर सासुर नगरी से कोई बुलावा नहीं आया। अहर सेवा करत करत बाबूजी भौजैया परेशान बा, भौजैया परेशान बा, अपने मनवा में सोचत बा कि इनके आनहर मनई के आनहर लड़की के लेके हम का करब, कब ले ढोऊ, कब तक हम इनके ढोऊ, इनकर गोरुआरी हमसे ना होई। और वो समय बाबूजी नासिक में कुंभ का मेला लगा था, नासिक में कुंभ का मेला लगा था। अब बहिनिया सोचत बा कि हमार भैया हमार भाभी हमके लेके बहुत परेशान हैं, भैया ये जिंदगी से अच्छा बात भगवान हमके मौत दे दे तब बढ़िया बा, रोज थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा है कि मेरा प्राण पखेरु उड़ जाए और मैं सदा सदा के लिए अपने भाई और भाभी को आजाद कर दूं और मैं भी आजाद हो जाऊं। लेकिन बाबूजी बगैर बदे मौत भी नहीं आवत, अगर मृत्यु होनी थी तो जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उसी समय हो जाती, लेकिन जीवन तो वही शेष बात। तो भौजैया अपने पति से आकाश से कहत बा सुना नासिक में कुंभ का मेला लगाबा, कहता तो हम हो जाई तो स्नान कर आई, अतनी दीदी के घुमाए फिराए दे थोड़ा। भैयावा का जानत बा कि करे मन में पाप बसाबा, तो ननद भौजाई घरे से चली बाबूजी नासिक कुंभ मेला के लिए। जब ननद भौजाई चली तो वहां पर एक दो दिन रह करके स्नान उस्नान करके भौजैया मेला देखत बा, ननद के कहत बा बबुनी कुछ खइबू, कोनो चीज तोहार मन करत बा तो बता द। वही बाबूजी ऐसने सेवा करत बा कि अब जैसे उ ननद नाही ओकरे लिए भगवान बा, लेकिन ननदियो का जानत बा कि भौजाई हमार सेवा करत बा तो सेवा के पीछे ओकरे मन में पाप बा। तो कुछ खाए पिए के सामान लिया के ननद के कोछे में रख के, अचरे में रख के कहा त ननद रानी तू बैठ के तनी यही के खात रह, नाश्ता पानी करत रह, हम जाई कुछ और लेके आई। अंधरी ननद के छोड़ के भौजाई बाबूजी अपने घर की ओर रवाना हो गई, अपने घर की ओर रवाना हो गई। और धीरे धीरे जब घंटा दो घंटा बीत गए भौजी नहीं आवत हैं, तो उस संगीता बेचारी भौजी भौजी को गुहार लगावत बा, मेला में घूमत बा, ठोकर लगत बा पाँव में तो गिर जात बा, पाँव में अगर ठोकर लगत बा तो गिर जात बा, फिर से उठ के खड़ी होत बा, हमार भौजी भौजी कह के चिल्लात बा बोलावत बा, लेकिन भौजी रही तब न बोली है। आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा, अरे दुखिया के दुखवा अनेक बढ़ी गई ले भैया, भूखिया से अंधरी के तड़प परा, रोई
रोई रोटी मांगे नासिक स्टेशनिया भैया, आप बीत सब के बतावे श्रीमान। बालेपन में छोड़ी गई ले हमारो पपैया भैया, भैया भाभी भूल गई ले अंधरी के निशा, कहता कि बालेपन में रोई रोई के आपन आप बीती सुनावत बा, भीख मांगत बा, पेट न होता तो किसी से दुनिया में भेंट न होता, दोनों आंख की अंधी है और पेट पापी ऐसा है कि जब भूख लग जाती है तो ये कुछ देखता नहीं है, इसे रोटी चाहिए ही चाहिए, और पापी पेट के कारण वो भिक्षा मांगने लगी, और जब भिक्षा मांगने लगी तो मेला में से नहाए नहाए के लोग जवन आवत हैं तो कुछ लोग दयालु किस्म के रहन कि एके तनी आगे पहुँचा दई तो ले जाए के लोग ले के गए तो ओके छोड़ कहाँ दिए नासिक स्टेशन पर, नासिक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिए। आई अंधरी बहनिया रोवे बाबूजी और रोए रोए के भिक्षा मांगे, आई अपन आप बीती बतावे कि पिताजी तो बचपन में ही मर गए और शादी के पहले माँ भी चल बसी, भाई और भाभी निर्मोही हो गए, हमार भौजी हमके छोड़ के चल गए दरे दरे के ठोकर खाए बदे। बहनिया रोवत बा रोए रोए के आप बीती बतावे भीख मांगे, ये संसार में बाबूजी बिरले ही कोई ऐसा होता है जो दुखिया का दुख समझता है बाबूजी, उसके दुख में भागीदारी करता है, अन्यथा इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि दूसरे का दुख देख ली है तो खुशी हुई है, उकर नाजायज फायदा उठावे के कोशिश करी है, मदद लोग करे के लिए तैयार नहीं होते। तो धीरे धीरे बाबूजी दिन रात बीतत बा, एक दिन रात के समय बा और भूख लगी है, वो रो रही है एक कोने में बैठ करके रो रही है, कुछ हवस के दरिंदे लोग आए और कहे सुना तो के रोटी चाही तो के हम रोटी दे दे, तनी हमारा हथवा पकड़ ले तो के हम ले आए के चल थी अपने घरे, तो के पेट भर के भोजन कराई, पेट भर के भोजन कराई। अयंधरी बहनिया के का पता कि ये लोग हमके भोजन करी हैं कि हमरे जीवन के थतिये लूट ली है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दो लोग चार लोग छह लोग ऐसे ही साथ में थे और उसके अंधेपन के फायदा उठा करके बाबूजी उसके सम्मान के साथ में लोग खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिए, और जब खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिए, अंधी है जब अपना सम्मान बचाने के लिए बाबूजी आवाज लगाती है गुहार लगाती है तो उसका हाथ पांव भी जकड़ लेते हैं और उसका मुंह पकड़ करके दबा देते हैं, और मरती क्या न करती बाबूजी, वो पापियों के हवस की शिकार बन गई और बदहवासी में बदहाली में वहां से चलती है ठोकर खाती हुई बाबूजी और आगे बढ़ती है और भीख मांगती है। धीरे धीरे एक दो दिन चार दिन और बीत गया, रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां आ रही है जा रही है, लोग गाड़ी पर सवार होते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, लेकिन वो अंधी संगीता उसी जगह पर अपने किस्मत पर रोती है, लेकिन उसके किस्मत पर और उसके बात पर उसके ऊपर कोई तरस खाने वाला नहीं है। तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, एक दिन संजोग बस कि वही वकील साहब का बेटवा अमित कुमार अपने माई के लिए आए के आया है बाबूजी, वही नासिक में
कुंभ नहावन करावे बदे। और जब स्टेशन पर बैठा है बाबूजी, गाड़ी का इंतजार कर रहा है, तो वही अंधरी भीख मांग मांग के अपन आप बीती सुनावत बा। अमित के कानों में आवाज गई और अंधरी के पास में पहुंचा और हाथ पकड़ करके बिठा लिया, हाथ पकड़ करके बिठा लिया और सारी बात पूछने लगा। और जब पूछने लगा वो बता देती है, तब वो अमित सुनता है कि अगर ये ऐसे ही रो रो करके बताती रहेगी तो हमार बाप बेटवा के परिवार के जग हसाई हुई। लोग धीरे धीरे जान जाई हैं, पिताजी का नाम बतावत बा, हमार नाम बतावत बा, नाम बताए के रोवत बा, अपन आप बीती सुनावत बा, तो सारी आबरू माटी में मिल जाई। लोग कही हैं कि इतना बड़ा आदमी है वकील साहब, और उनकर आंधर बहु दरे दरे ठोकर खात बा, भीख मांगत बा, ऐसा आदमी के समाज में रह के कोनो अधिकार नहीं बा। तो जग हसाई हो जाए, ऐसे बढ़िया हम एके अपनाए ले। वही अमित कुमार अपनी माँ को लिवा करके और अपनी बहुरिया को लिवा करके अपने घर पे आते हैं, और वकील साहब यहाँ बिगड़ गए बेटे को कि तेरा दिमाग खराब है, तो इस अंधी लड़की को लेकर के आया है, अरे मैं तेरी शादी अपने दोस्त के बेटी के साथ में तय कर दिया हूँ, और तू इस लड़की को लेकर के आया है, मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। वही कहता है पिताजी, अग्नि के साथ फेरा लेकर के सात बचनों में बंधा है, सात चुटकी सिंदूर इसके मांग में पहनाया है, जीने मरने की सौगंध ली है, अगर इज्जतिये चल जाई हमारे तोहरे नाम का जग हसाई होई, तो का करबा रुपया लेके, का करबा बढ़िया खूबसूरत पतोह लेके। जब इतना बात सुनते हैं वकील साहब तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे ही करो। एक दिन अमित कुमार कहीं चला गया और रात्रि में वकील साहब अपने बहू के कमरे में जा करके मिट्टी का तेल डाल करके बाबूजी बाहर से दरवाजा बंद करके उसमें आग लगा दिए, और अंधी बहू तड़प तड़प करके जल करके उसी में भस्म हो गई, मर गई। और जब मर गई बाबूजी, तब वकील साहब के एक बिटिया थी, एक बिटिया थी, और अपने बाप को धिक्कारती है और धिक्कार करके कहती क्या है, कभी को संकेत करना पड़ा। अरे भाभी जैसन हम हू के, अरे भाभी जैसन हम हू के, अरे जलावा बाबूजी, तो भाभी जैसे हम हू के, अरे जलावा बाबूजी, अरे अपने कांधे हमरो लसिया उठावा बाबूजी। एक पढ़े लिखे शिक्षित हो करके, एक एडवोकेट हो करके, अरे जो गरीबों को न्याय दिलाता है, गरीबों मजलूमों के साथ में भरी अदालत में खड़ा हो करके दलीलें पेश करता है, न जाने कितने हजारों लाखों दहेज से पीड़ित बहुओं का केस आप लड़ते हैं, और आपके मन में ऐसी कुटिल भावना, अरे आप ही का समाज कहता है कि बहू बेटी दोनों एक समान हैं। अरे मेरी भाभी तो देवी थी, क्योंकि मैं अपने भाभी और भाई को बात करते सुन लिया था, मेरी भाभी मेरे भाई से कह रही थी कि आप एक समझदार सूझबूझ के इंसान हैं, अपने बहन के ब्याह कह दिया, अगर हम मर जाब सैया तो हमरे शोक में मत रहिया, दूसर ब्याह कह के अपन घर बसा लिया। ऐसी भाभी को आपने जला करके मार दिया, केवल दोनों आंख की अंधी थी इसलिए आप मेरे बाप नहीं हो सकते, यदि आप मेरे पिता हैं, आपके हृदय में तनिक भी गैरत बाकी है, तो जिस तरीके से मेरी भाभी को आपने जला करके मार दिया, ठीक उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी मिट्टी का तेल छिड़क करके मुझे भी जला डालिए।
बहू की लाश उठाने में आपको आनंद आ रहा है तो बेटी की लाश भी उठा करके अपने कंधों पर शमशान पहुंचा दीजिए। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। अरे अब जनी गार बाबू घड़ियाली तू हुआ पीछे छिपके पर्दे के पीछे छुपके रोवे पति और ससुरिया। अरे गलती अब ना पर्दे में छिपावा बाबूजी अपने कांधे हमरो लसिया उठावा बाबूजी। कहे सुना आपन गलती दूसरे के मत्थे मत मढ़ा। गलती आपने की है तो इस गलती की सजा भी आप ही को मिलेगी। तो कभी को संकेत करना पड़ा। जली गई बिंदु बिटिया अरे तनवा पे डाली तेल हो और डबल अपराध में वकील गई ले जेल हो। अरे कब किशोर के सपना सजावा बाबूजी किशोर के सपना सजावा बाबूजी आय अपने कांधे हमरो लसिया उठावा बाबूजी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों अपने भाभी की दर्द को वो ननद बर्दाश्त नहीं कर पाई और सोच रही है कि आज मेरे पिता ने अपने बहू के साथ में ऐसा काम किया उसको जला करके मार डाला। दोनों आंख के अंधी होने की इतनी बड़ी सजा मिली और थोड़ा सा दहेज में कमी हुई उसकी इतनी बड़ी सजा हुई मिली मेरे भाभी को मेरे पिता ने जला करके मार डाला। अगर कल मेरी कहीं सगाई हो गई रिश्ता तय हो गया और मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो अपने पिता के कुकर्मों की सजा मुझे मिलेगी। लोग मुझे ताना देंगे तेरा बाप हत्यारा है और मेरे परिवार से कोई रिश्ता जोड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। इसलिए इसका फैसला कानून सो करेगा लेकिन मैं तुरंत इसका फैसला करूंगी। अपने पिता को ताना देती है बाबूजी और घर में जाती है दरवाजा बंद करके और अपने ऊपर भी वो तेल छिड़क करके मिट्टी का और स्वयं को अपने हाथों से आग लगा लेती है और बिटिया भी जल करके बाबूजी भस्म हो गई। और जब बेटी भी मर गई तब वकील साहब सिर पे हाथ रख के रोने लगे और पछताने लगे। फिर पछताने के अलावा उनको कुछ मिला नहीं। कहा जाता है बाबूजी कि चाहे बात जुबान से तीर कमान से एक बार निकल गई तो निकल गई चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में दोबारा वापिस आने वाली नहीं है। जब समय विपरीत हो गया तो हो गया। पुरनिया दादा लोग एक ठे कहावत कहे हैं जाको दुख दारुन दई दीन्हा ताकर मत पहिले हर लीन्हा। आखिरी लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। बेटी बहू एक समान है तो सभी सम्मानित श्रोता सज्जनों से निवेदन है कि अगर केहू के बिटिया अपने घरे में ली आवत है पतोह बनाए के तो वो बेटी लाखों करोड़ों सपना सजा करके अपने ससुराल में कदम रखती है और आपके परिवार के सहारे अपने पूरे जीवन को सौंप देती है। तो उसका मान सम्मान अगर आप करेंगे तभी आपके घर की बेटी सुखी रहेगी।
अगर दूसरे के बिटिया के दुख देवत तो हरो बिटिया बेटवा कभो सुखी न रही। डबल अपराध के चक्कर में, हत्या के अपराध के चक्कर में वकील साहब को जेल की हवा खानी पड़ी। कहना है आखिरी लाइन में, सीताराम हित कही के गईले मत बनिहा हत्यारा, करनी का फल भोग रहा कानून का रखवारा, अरे राम शर्मिंदा कर न चावे दुनिया, बाबू शर्मिंदा कर न चावे दुनिया,